दोस्तों Xiaomi Redmi अपने फ्लैगशिप K सीरीज के अंदर दो नए स्मार्टफोन्स 28 मई को चाइना में लॉन्च कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi K20 और K20 Pro की। Redmi K20 6.39 इंच के फुल HD प्लस डिस्प्ले, 4000 mAh की बैटरी और लेटेस्ट Snapdragon 730 प्रोसेसर के साथ आ सकती है। कैमरा में 48+8+13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। ये के सीरीज का नन प्रो वेरिएंट है, इसीलिए इसमें स्नैपड्रैगन 730 मिलने वाला है और इसकी प्राइस भी कम होगी। Redmi K20 Pro 6.39 इंच के फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर और सेम 4000 mAh की बैटरी के साथ आएगी। Redmi K20 Pro में भी हमें सेम 48+8+13 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और फ्रंट में हमें यहाँ मोटराइज 20 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। Redmi के ये दोनों ही स्मार्टफोन 28 मई को चाइना में लॉन्च हो रहे हैं और इसके कुछ दिनों बाद ये दोनों फोन्स इंडिया में भी लॉन्च हो जाएंगे। Redmi K20 Pro इंडिया में शायद पोको F2 के नाम से भी लॉन्च हो सकता है। प्राइस की बात करें तो Redmi K20 15-20K के बीच के सेगमेंट में आएगा और Redmi K20 Pro 20,000-25,000 के प्राइस रेंज में स्टार्ट होगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये दोनों ही फोन जून महीने के एंड तक इंडिया में लॉन्च हो जाने चाहिए। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आपको, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।